हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैसेल्फ प्रत्युष और आपको उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्म रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मैं हर दिन देता रहता हूं। जी हां, आज बात करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आए फार्मासिस्ट जॉब के बारे में, जिसमें ओडिशा के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। जी हां, नेशनल हेल्थ मिशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जॉब निकलते रहती है, तो ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट से ये जॉब आई हुई है। अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं, आपका ओडिशा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आपका घर है, अगर उसके आसपास में, जिस डिस्ट्रिक्ट की मैं यहां पर बात करता हूं, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपका घर है, यहाँ अगर आप रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि आपको अपने घर के पास में ही, होम टाउन के पास में ही एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन फिल करना है, लास्ट डेट क्या रहने जा रही है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। ऑफिशियली बात करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुँच जाना है। आप सिंपली सर्च कर लेंगे क्विंझार, आपको गूगल में देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है, आपको इसके जिसका मेन जो वेबसाइट रहता है, आपको ये ओपन कर लेना है, क्योंझार ओडिशा डॉट जी ओ वी डॉट इन, जो इसका मेन डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जिसे बोलते हैं। यहाँ से आपको नोटिस में सेक्शन में जाना है, और नोटिस के बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाने की ज़रूरत है। नोटिस और रिक्रूटमेंट जाकर सर्च करेंगे, रिक्रूटमेंट यहाँ पर और ऐसी बहुत सारी पोस्ट आई हुई थी जिनका शॉर्ट लिस्ट भी यहाँ पर आ गया है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। फोर्थ नंबर पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर NHM, ठीक है, इन द सेम पोस्ट अंडर OSH एंड FWS, यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर रहने जा रहा है 27th of September 2024। इसके पहले पहले आपको एप्लीकेशन यहाँ पर भेजना रहेगा, यहाँ आपको ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फिल करनी है। चलिए डिटेल तरीके से आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जी बिल्कुल, इन हाउस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर फार्मासिस्ट की बात करें, RSBK, ठीक है, RSBK और NHM, ये दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट MHU के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको 6 पोस्ट देखने को मिल रही हैं RSB के अंतर्गत, और इस यहाँ पर बात करते हैं तो 4 पोस्ट, कुल मिलाकर 10 पोस्ट हैं जहाँ पर आप एलिजिबल बन रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट इस PDF के लास्ट में ही आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको उस एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिंटआउट लेना है, उसमें अपने सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मंगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के फोटो कॉपीज आपको वहाँ पर अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद ध्यान रखेंगे आप वाय द इंडिया पोस्ट या किसी भी कुरियर के द्वारा आप डायरेक्ट इनके एड्रेस में आपको भेज देना है। एड्रेस क्या रहने जा रहा है देखते हुए चलेंगे, टू द ऑफिस ऑफ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर क्योंझार, पिन कोड है 758001, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ पर रहेगा, मतलब इस डेट तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, 27th of September 2024 शाम के 5 बजे तक। इसके पहले पहले अगर पहुँच जाएगा तब आपके इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने इस डेट को मिस किया, या आपने जब भेजते समय ही अगर 27 के जगह 28 को चला गया, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना। और जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेजे, उसके बाद फिर एक शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या चाहे तो आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो सकता है, उस बेसिस पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखते हुए चलेंगे। इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसका प्रिंटआउट ले लेंगे, और इसे ही आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, इन सभी एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको एक एनवेलप में फिल करके इसे पोस्ट कर देना है। ऑल द बेस्ट आप सभी को जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बन रहे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट्स के साथ।